तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको जो दिखेगी हमारी जो चैनल है, अभी तो ये वीडियो एक और दो वीडियो में, दो एपिसोड या दो वीडियो हमारी अपलोड होगी। इसके बाद जो दो नेक्स्ट कमिंग वीडियो सारे हैं वो सब डियर निस्प के नाम से आपको दिखाई देंगे, और मैं उसमें कुछ खास चेंज नहीं करने जा रहा हूँ और कुछ खास चेंज करूँगा भी नहीं। वो नेम जैसे का वैसे ही रहेगा, तो आप लोग भी देखेंगे उसको, और हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करूँगा, जो भी उसमें चेंजेस करूँगा वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। और वो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और मैंने दिल से बनाया है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में है, थोड़ा सा हो सकता है उसमें कुछ मेरी प्रोनाउंसिएशन या इस तरीके का कुछ भी बात तो हो जो जिसको मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करने का कोशिश किया हूँ, लेकिन कुछ मिस्टेक हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आने वाला वीडियो बहुत ही अच्छा बनेगा, और एक से लेकर के 11 वीडियो तक कंटिन्यू जो है वो डियर निस्प के नाम से है, और आने वाली जस्ट 12वीं वीडियो से आप लोगों को पूरी तरह जो है NKNN के नाम से हमारा सारी वीडियो और चैनल भी वही होगी और वीडियो भी उससे सारे इशू होंगे। तो नेशंस हमने बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, नेशंस नॉलेज न्यूज़ नेटवर्क इसका पूरा नेम है, एंड NKNN इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। हम लोग का जो साइट भी होगी इसी नाम से लॉन्च होगी। तो चलिए 12वीं अध्याय से हम लोग शुरुआत करते और 12वीं से हम लोग सारे सिलेबस को, चूंकि एक्चुअली मैंने जो पिछली अध्याय था, जो मैंने डियर निस्प के पिछली जो एपिसोड था उसमें मैंने सारे चर्चा किया था स्टार्टिंग में कि हमारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली, फिर वैदिक शिक्षा, फिर जो हमारा कैरिकुलम थी, सिलेबस थी, फिर उसके उससे पहले मैंने बोर्ड के बारे में चर्चा किया था, तो सबको मैंने डाला था। लेकिन उसमें कुछ कुछ बातें छूट चुकी थी, छूट गई थी या रह गई थी, जो मुझे लगा कि अभी जो जैसे जैसे रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे जैसे स्टडी कर रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे कुछ लगता है कि हाँ, इसमें ये चीज़ डालना रह गया था। तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालते जा रहा हूँ और बताते जा रहा हूँ। और जैसे मैं बोर्ड्स के बारे में एक बार फिर से रिवाइज वीडियो बनाऊँगा, और आने वाली टाइम में आप लोगों को वीडियो मिलेगी और आप लोग उसको देखें तो कैसी, मतलब उसमें भी मैं सारी बोर्ड का जो इंडिया में रेगुलर बोर्ड के साथ जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो स्टेट का ओपन बोर्ड है और भी जो सेंट्रल का ओपन बोर्ड है, ये सारे बोर्ड्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उसके बारे में मैं ये कंप्लीट लेक्चर देके वीडियो बनाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी आप लोग देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू। चलिए इसके साथ हम लोग 12वीं अध्याय में और 12वीं एपिसोड की ओर हम लोग जाते हैं। 11वीं अध्याय में और 11वीं एपिसोड तक मैंने आप लोगों को जो नर्सरी क्लासेस की जो सिलेबस किस तरीके से एक स्ट्रक्चर उसके होनी चाहिए और बनावट कैसा बनना चाहिए, वो मैंने उसकी एक फॉर्मेट बताया था, और उसकी उसके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स होने चाहिए वो मैंने डाला था। लेकिन पुनः मैं उस चीज़ को अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट में तो मैं रिवाइज़ कर दूंगा। लेकिन अभी इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो सिलेबस का एक बार और बोर्ड का एक बार कवर अप करने के बाद हम लोग फिर से चलेंगे। पुनः नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी जैसे फिर कंटिन्यूटी चलते जाएगी सिलेबस के बारे में, LKG, UKG, फिर स्टैंडर्ड 1, फिर स्टैंडर्ड 2, तो इस तरीके से कंटिन्यू सारे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। और वो एक मेरी जो सिलेबस की जो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर जो मैं बना के आपको बताऊंगा, वो बिल्कुल जितने भी सिलेबस है, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो IGCSE हो, चाहे जो इंटरनेशनल लेवल की हो या जिसको हम लोग इंडिया में ICSE बोलते हैं वो हो, चाहे IB का सिलेबस हो, चाहे वो हमारे स्टेट बोर्ड जितने हैं 29 या 28 स्टेट जितने जहाँ पे करिकुलम लागू है वो है, चाहे वो NCERT ने जो बनाया है, मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ इसकी अच्छी नहीं है, इसकी बुरी नहीं है, ये सबकी अच्छी है अपने जगह पर, सब बहुत बहुत अच्छे टैलेंट है, बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम मेरी जो मेंटालिटी है, जो जिस तरीके से मेरे मतलब मेरी एक सिलेबस बनाने की अलग अलग पैटर्न है, और मैं चाहता हूँ कि सर्वगुण संपन्न और सारे चीज़ एक मतलब गागर में सागर भरने के जैसा मेरा जो थॉट्स है, मेरी जो कैरिकुलम डेवलप करने का मैं अपने माइंड सेटअप की तरीके से, उस तरीके से मैं आप सारे कैरिकुलम को सेट करके आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे को किस क्लास में किस तरीके से और कितने जानकारी होनी चाहिए, तब आपकी जो बच्चा है उस एज पे अप टू डेट है। ये चीज़ सारे चाहे DED की क्लास हो, चाहे BED की हो, चाहे MED की हो, किस सब जगह वो चीज़ ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो
तो मैं इसे आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा अपनी 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और वो नेक्स्ट लेक्चर हमारी होगी बोर्ड के बारे में कि हमारे देश में कितने बोर्ड्स हैं और जो जो छूटे हुए हैं उसको अभी मैं चर्चा करूंगा, जो हो चुकी है उसके बारे में भी करूंगा, और जो बची हुई मेरी अभी रिसर्च जो छूट चुकी है बातें उसको भी मैं अभी चर्चा करूंगा। तो चलिए आगे की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।